मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आप Amazon पर प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, आप कीवर्ड्स का यूज करके प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। भले ही आप दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करें, वो नहीं बिकेगा अगर आपके कीवर्ड्स सही और रेलिवेंट नहीं है। तो Amazon बिजनेस में कीवर्ड्स काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये रेलिवेंट कीवर्ड्स हम लाएं कहां से, हमारा कॉम्पिटिटर कौन से कीवर्ड यूज कर रहा है, ये पता कैसे चलेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिससे आप कॉम्पिटिटर के बेस्ट कीवर्ड्स निकाल सकते हो और उन्हें अपनी लिस्टिंग्स में यूज कर सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि ऐसे और भी अमेजिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाले ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, वो भी सिर्फ आपके लिए। हेलो, आपसे बोल रहा हूँ, हाँ आपसे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। तो चलें लैपटॉप पर। तो आज के रिवर्स एसिन के लिए हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं, वो हम इंडिया का काफी बड़ा ब्रांड है जो बोट, उसको लेने वाले हैं, क्योंकि आई रियली वांट टू शोकेस कि बड़े ब्रांड्स अपने लिस्टिंग्स में कैसे कीवर्ड यूज करते हैं, और अगर आपका कॉम्पिटिटर बहुत बड़ा है तो भी आप उसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके अपने लिस्टिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने पीपीसी कैंपेन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज आप भी इलेक्ट्रॉनिक और म्यूजिक इंडस्ट्रीज में है, ईयरफोन्स या हेडफोन्स सेल कर रहे हैं, और आपका प्रोडक्ट भी बोट के एयर डोप्स की तरह ही है। तो मैंने इस एग्जांपल को इसलिए कंसिडर भी किया है क्योंकि आप देखोगे इसके रेटिंग्स बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 2 लाख रेटिंग्स एंड रिव्यूज हैं इस प्रोडक्ट के। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें जो भी आपका कॉम्पिटिटर है या जो भी एसिन को हम रिवर्स एसिन लुकअप लगाना चाहते हैं जिस भी प्रोडक्ट पर, उसके लिए हम उसका एसिन नंबर कॉपी कर लेंगे एंड अपने सेलर्सप्राइट डैशबोर्ड में लॉग इन लेने के बाद आप जाएंगे टूल्स में, टूल्स के अंदर आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे रिवर्स एसिन दिखेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आपको सामने इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इंडिया मार्केट प्लेस के अलावा किसी और अमेजोन के मार्केट प्लेस में रिवर्स एसिन लुकअप स्ट्रेटजी लगाना चाहते हैं तो आप वो मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेंगे। हम इंडिया में लगा रहे हैं तो वी आर सिलेक्टिंग इंडिया। एंड नाउ अगर आप 30 डे का देखना चाहते हैं तो 30 डे सेलेक्ट करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर मंथ में देखना चाहते हैं कि किस कीवर्ड ने किस प्रोडक्ट के लिए कैसा परफॉर्म किया, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं लास्ट 30 डेज का देख रहा हूँ। हमने जो एसिन कॉपी किया था बोर्ड का, वो हम पेस्ट कर देंगे एंड सर्च पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे नीचे डेटा लोड हो रहा है। ठीक है, मीन वाइल आप देखोगे यहाँ पे उस प्रोडक्ट के जितने भी वेरिएशन है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो अगर हम मेन लिस्टिंग पे भी जाके देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे वेरिएशंस दिख रहे हैं, राइट? तो सेलर्सप्राइट टूल ने ऑटोमेटिकली वो सारे वेरिएशंस यहाँ पे केटर कर लिए हैं। आप चाहें तो सारे कीवर्ड्स जो इन वेरिएशंस में यूज हैं वो भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। आप सिंपली इस पे गेट कीवर्ड्स फॉर ऑल वेरिएशन पे क्लिक करेंगे एंड सारे जो भी कीवर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 2849 कीवर्ड्स हैं ये जो लिस्टिंग यूज कर रही है। बिफोर गोइंग डाउन टू द डेटा, इससे पहले हम यहाँ पे एसिन लुकअप पे क्लिक करेंगे और आप देखोगे कि इस एसिन से रिलेटेड काफी सारा डेटा ओपन हो गया है। तो यहाँ पे सेल्स ट्रेंड आपको दिख रहा है कि यूनिट सोल्ड कितने हुए हैं, रेवेन्यू कितना है, किस महीने में, किस साल में, आप ये देख सकते हैं। उनके वेरिएंट्स जो हैं उनका सेल्स ट्रेंड कैसा है, हिस्टोरिकल ट्रेंड देख सकते हैं कि किस मंथ में इसका प्राइस कितना था, बीएसआर कितना था, तो इस तरीके से आप सारी चीजें रेटिंग्स देख सकते हैं। अगर आप 3 महीने का डेटा अभी देख रहे हैं, आप चाहो तो 6 महीने का भी देख सकते हो, यू जस्ट सिंपली हैव टू क्लिक ऑन इट। 1 महीने का देखना है तो आप इस तरीके से आप सारा डेटा देख सकते हैं। जैसा मैं बता चुका हूं पहले कुछ वीडियोस में सेलर्सप्राइट के, सेलर्सप्राइट ने अपने आपको कीपर से इंटीग्रेट किया हुआ है तो डेटा बहुत ही ऑथेंटिक है। नेक्स्ट आप रेटिंग वेलोसिटी का ग्राफ देख सकते हैं। रेटिंग वेलोसिटी आपको ये बताती है कि किस मंथ इस प्रोडक्ट पे कितने रिव्यूज आए, राइट? तो आप देखोगे कि 2023 8th मंथ में बहुत ज्यादा रिव्यूज आए हैं, 11वें नवंबर मंथ में बहुत ज्यादा रिव्यूज आए हैं, रेटिंग्स एंड रिव्यूज, तो इस तरीके से आप चीजें देख सकते हैं। एंड लास्ट इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड सर्च ट्रेंड। तो आप ये देख सकते हैं कि मेन कीवर्ड्स कौन से हैं जिनकी वजह से ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। तो अगर आप देखोगे ईयरबड्स की वजह से बहुत सेल हो रहा है, बोट एयरडोप्स की वजह से हो रहा है, ईयरबड्स की वजह से हो रहा है, बोट ईयरबड्स की वजह से हो रहा है एंड ईयरफोन्स की वजह से हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी 2-3 कीवर्ड्स को ही कंपैरिजन करूं, तो लेट्स सपोज आप ईयरबड्स एंड बोट ईयरबड्स को कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप सिंपली बाकी को क्लिक करके टर्न ऑफ कर देंगे एंड यू कैन सी द पैटर्न, यू कैन सी द ट्रेंड। ठीक है, इस मैप को बंद करते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगा। ऑर्गेनिक कितना है, तो आप देखोगे 2000 से ज्यादा जो कीवर्ड्स हैं वो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं। स्पॉन्सर्ड एड में 669 है एंड ब्रांड एड्स में आपको 470 मिलेंगे। ठीक है, हम नीचे आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स दिए हुए हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स को और फिल्टर आउट करने के लिए, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 2900 कीवर्ड्स हैं, मतलब 3000 के करीब मान के चलिए मैं एक राउंड फिगर कंसीडर करूं तो। लेकिन अब ये सारे कीवर्ड्स तो हम अपनी लिस्टिंग में नहीं ले सकते अगर कॉम्पिटिटर इतने यूज कर रहा है, राइट? और स्पेशली अगर मैं बिगनर हूं तो इन सारे कीवर्ड्स को यूज करना अपने में ही एक बहुत बड़ी बैटल है, राइट? तो मुझे वो फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन से मेन कीवर्ड्स हैं जो सेल्स जनरेट कर रहे हैं। तो उनके लिए ये सारे फिल्टर्स यूज होते हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन
उससे पहले मैं नीचे का डेटा आपको समझा देता हूँ, सो दैट आपको जब मैं फिल्टर करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीवर्ड निकालूं इस लिस्टिंग के, तो वो आपको डेटा समझ आए, राइट। इसके बाद आप नीचे देखेंगे कि वर्ड फ्रीक्वेंसी है, तो बेसिकली इन सारे कीवर्ड्स में कितनी बार एक पर्टिकुलर कीवर्ड यूज हुआ है, तो बोट 816 बार यूज हुआ है, ईयरबड्स 801 बार, एयरडॉप्स 1354 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर में है काउंट के टर्म्स में। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, अगर आप होवर करेंगे तो उससे रिलेटेड टॉप 10 प्रोडक्ट्स भी वहां पे दिख जाएंगे कि अगर ईयरबड्स जो कीवर्ड है उस पे रैंक 1 पे बोट है, रैंक 2 पे भी बोट है, थर्ड पे पीट्रॉन है जो कि एक डिफरेंट ब्रांड है, बीट एक्सपी जो कि 4, तो इस तरीके से इस कीवर्ड पे ये टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज क्लिक शेयर, कि इस कीवर्ड की वजह से कितना क्लिक हो रहा है बोट पे। आप देखोगे 12% का शेयर है बोट के पास। कीवर्ड टाइप देखेंगे तो ऑर्गेनिक ब्रांड एडवर्ड एंड स्पॉन्सर्ड एड, डिस्ट्रीब्यूशन आप 62% का देख सकते हैं, एड का 37% का है, तो बेसिकली जो बोट ईयरबड है उस पे बोट स्पॉन्सर्ड एड भी रन कर रहा है जिसकी वजह से वो 37% का शेयर कंट्रोल कर रहा है। ऑर्गेनिक रैंक अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये 5th नंबर पे शो हो रहा है पेज 1 पे, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर स्पॉन्सर्ड रैंक की बात करें तो ये 3rd पोजीशन पे दिख रहा है पेज 1 पे। नेक्स्ट इज ट्रेंड, ट्रेंड में आप देख सकते हो कि मंथली सर्चेस क्या है, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ क्या चल रहा है, राइट। एबीए रैंक हमारी अमेज़न ब्रांड एनालिटिकल रैंक यहां पे 32 है इस कीवर्ड पे। सर्चेस कितने हो रहे हैं मंथली, मंथली सर्चेस मोर देन 3 लाख है। नेक्स्ट इज एसपीआर, सेलरस्प्राइट प्रोडक्ट रैंक, ये बहुत ही अलग मेट्रिक है, इसकी वजह से आप ये पता कर सकते हैं कि आपको कितने यूनिट्स चाहिए अगर आपको सेकेंड हाफ ऑफ द पेज से फर्स्ट हाफ ऑफ द पेज में आना है इन नेक्स्ट 8 डेज, तो आपको कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे समझिए, अगर एक पेज पे आपके 20 प्रोडक्ट हैं और अगर आप 11वें 12वें या 15वें या 16वें नंबर पे हैं, मतलब 10 प्रोडक्ट के बाद हैं, राइट, तो अगर आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द पेज पे आना है, टॉप 10 में आना है, तो आपको एटलीस्ट 198 यूनिट सेल करने पड़ेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ द पेज में अपियर होने के लिए इन नेक्स्ट 8 डेज यूजिंग दिस कीवर्ड। टाइटल डेंसिटी कितनी है 4, परचेजेस कितने हैं पर मंथ 15,000 से ज्यादा परचेजेस हैं, इंप्रेशन क्लिक्स देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट 80 लाख है, डीएसआर इज डिमांड सप्लाई रेशियो व्हिच इज 6.9, एंड इसके अलावा आप क्लिक कंसंट्रेशन देख सकते हैं। क्लिक कंसंट्रेशन क्या होता है, क्लिक कंसंट्रेशन ये दिखाता है कि टॉप 3 प्रोडक्ट्स कौन से अपियर हो रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर, ईयरबड्स के ऊपर, पीपीसी बिड कितनी चल रही है, तो मिनिमम इतनी है, मैक्सिमम इतनी है, सजेस्टेड हमारी 10.94 है, एंड इस तरीके से आप बाकी सभी कीवर्ड्स नीचे तक देख सकते हैं जो कि हमारे ऑलमोस्ट 2800 से ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे जब ग्राफ पे क्लिक करते हैं तो आपको कीवर्ड सर्च वॉल्यूम ट्रेंड यहाँ पे मिल जाता है, जो ईयरबड है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कीवर्ड आप देख सकते हैं, कीवर्ड फ्रेज है ईयरबड, ये कैसा परफॉर्म कर रहा है वीकली बेसिस पे। आप मंथली पे क्लिक करेंगे तो मंथली बेसिस पे आप ये चीज देख सकते हैं। रैंक ट्रेंड देख सकते हैं कैसे रैंक अप एंड डाउन हो रही है इस कीवर्ड की वजह से। पीपीसी बिड में आप देख सकते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम बिड एंड सजेस्टेड बिड, जो मैंने अभी बार भी बताया। इसके बाद है मार्केट एनालिसिस, कैसे मार्केट परफॉर्म कर रही है नंबर ऑफ प्राइस के अकॉर्डिंग एंड नंबर ऑफ रेटिंग्स, आप यहां से स्विच कर सकते हैं, स्टार रेटिंग्स देख सकते हैं। आप चाहो तो खुद इस डेटा को यहां से एनालाइज कर सकते हो, नहीं तो जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करके उस रिपोर्ट को डाउनलोड करके भी आप एक्सेल में डेटा एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूं, एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला ये बहुत बड़ा नंबर है 2849, और अगर मैं सेम कैटेगरी में या सेम टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूं तो ऑब्वियसली आई जस्ट वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीवर्ड्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो मैं 2 फिल्टर्स का यूज करूंगा, परचेज रेट, परचेज रेट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ सर्चेज कितनी हुई एक महीने में और उसकी वजह से हमारी सेल कितनी हुई, तो मैं एटलीस्ट चाहूंगा कि 7% का कन्वर्जन रेट हो वहां पे। वर्ड काउंट ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि खाली ऐसा ना हो कि ईयरफोन्स पे मैं कॉम्पीट करूं या ईयरबड्स पे, तो एटलीस्ट मेरे को 2 वर्ड का काउंट तो चाहिए, तो आई एम जस्ट टेकिंग अ नंबर 2। यहाँ पे मैं सर्च नाउ पे क्लिक करूंगा। इसके बाद आप देखेंगे कि आउट ऑफ 2800 कीवर्ड्स मेरे पास सिर्फ 15 कीवर्ड बचे हैं, और इन 15 कीवर्ड्स को हम यूज करेंगे अपने न्यू लिस्टिंग में अगर हम लॉन्च करने की सोच रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इमोर्टल 121 है, जो कि अगर आप देखोगे इस पे होवर करोगे तो टॉप 10 प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। बोट ऑब्वियसली बोट इमोर्टल 111 आ रहा है 10th पोजीशन पे, और ऑर्गेनिकली ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। इसके बाद एयरडॉप्स का भी देखें तो 100% है। मैं एक दूसरा केस सिनेरियो देखना चाहता हूं। ओके, हियर इट इज। तो आप यहां पे देखोगे एयरडॉप्स 148 पे आप ऑर्गेनिक देखोगे, ऑर्गेनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 87% है और रिमेनिंग एड्स की वजह से हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हो कि इस कीवर्ड की वजह से आप एड्स रन कर सकते हो इस कीवर्ड पे और सेल जनरेट कर सकते हो, लेकिन आप देखोगे यहां पे कन्वर्जन ड्रॉप हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस कीवर्ड को भी अवॉइड करना बेटर है हमारे लिए। इसके अलावा आप देखेंगे बोट वायर्ड ईयरफोन्स पे ऑर्गेनिक 0 है, एड 0 है, लेकिन ये कीवर्ड अच्छा है, तो आप ब्रांड को हटा के भी वायर्ड ईयरफोन्स कीवर्ड को यूज कर सकते हो। एंड इसके अलावा द नेक्स्ट इज एड ऑफ 441, तो आप यहाँ पे भी देखोगे कि बोट के ही टॉप 10 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, एंड वन प्लस यहाँ पे आ रहा है, वन प्लस ने यहाँ पे रैंक 5 कैप्चर करी हुई है, तो आप देखोगे कि ऑर्गेनिकली 84% शेयर है एंड एड्स 15% है, तो ऑब्वियसली आप एड्स का यूज करके इसको टारगेट कर सकते हो इस प्रोडक्ट को एंड अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्कोप है एड्स रन करने का, अपने पीपीसी को इंप्रूव करने का।
अगर आपको लगता है इनमें से कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके काम के नहीं है, तो आप सिंपली इस नंबर पे होवर करेंगे, आपको ये क्रॉस का आइकन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे और वो आपकी लिस्ट से हट जाएगा और वो जो कीवर्ड है वो आपका चला जाएगा इस डिलीट सेक्शन में। और जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे वो कीवर्ड फ्रेज दिख जाएगा। इन केस अगर लगता है कि आपने गलती से वो डिलीट कर दिया, तो आप रिटर्न टू रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे एंड वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। तो इन दिस वे यू कैन यूटिलाइज द रिवर्स एसिन लुकअप यूजिंग अ टूल सेलरस्प्राइट। तो इस तरह आप अपने कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। सेलरस्प्राइट टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल्सो आप 45% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड EMA30। अकाउंट बनाते वक्त EMA30 कोड यूज करना ना भूलें। और अगर आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है स्टेप बाय स्टेप ये जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो तुरंत देख लें।